हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर, क्या लगता है बाजार आज के लिए क्या कुछ चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि वोडाफोन आइडिया और पेटीएम दोनों ही फोकस में रहेंगे, सर इस पे आपकी टिप्पणी। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। और दिल्ली में फिर 15 डिग्री हो गया, ठंड हो गई अच्छी। और मौसम तो बता रहा है कि इशारा यही है कि शेयर बाजार तो बहुत अच्छे मूड में है, जैसे हम हैं। हमारा भी गला साफ है, शेयर बाजार भी। अब 2 दिन 100 पॉइंट के ऊपर नीचे तो होएगा। सब कहेंगे कि टॉप, और ये तो टॉप और बॉटम तो आपके लिए है। आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन देखना है और देखना पैसे कहाँ बन रहे हैं। 2 दिन पहले आपको लार्सन एंड टुब्रो दिया था 3290, 3300 को 3500 हो गया। शेयर बाजार में आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ आपका मार्केट बनेगा, और जैसे मैंने आपको कहा, मोमेंटम स्टॉक से थोड़ा सा पैसा लीजिए। जैसे अभी निकुंज ने कहा, टीसीएस हो गया, हैवल्स हो गया, लार्सन हो गया, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे थोड़ा दबाव ज्यादा डालिए। बिकॉज मार्केट से निकल नहीं सकते आप, लेकिन मार्केट में अपना एलोकेशन टू लार्ज कैप कर लेंगे तो आप थोड़ी सेफ्टी में रहेंगे जब तक वॉलेटिलिटी थमेगी। श्री जी, आपको पता है 2 दिन है एक्सपायरी में, और ये हाईएस्ट एवर एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है 22,000 जरूर डिफेंड होएगा। और अगले 2 दिन में मुझे लगता है भी मैं अगेन 22,000-22,200 की अभी तक रेंज है, विच शुड बी द केस। बैंक निफ्टी कैन बी अ शार्प, यू नो, सरप्राइज आइटम, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेट पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट करेगा। आपने सही कहा, देखिए पेटीएम के लिए विजय शेखर का रिजाइन करना इज अ पॉजिटिव, क्योंकि अब वो और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और जो नया बोर्ड है वो आरबीआई की गाइडलाइन से चलेगा। वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या उनके लिए अगला स्टेप होएगा फ्रॉम द रेगुलेटर। लेकिन रेगुलेटर के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो कंटेंशियस पर्सन था या आर्म्स लेंथ ऑफ डिस्टेंस था, वो एक कंप्लाई किया गया। वोडाफोन से ज्यादा बेनिफिट होएगा इंडस टावर को, क्योंकि उनके रिसीवेबल से जो उनकी प्रोविजनिंग है वो बेटर होगी। और वोडाफोन के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन किसी भी तरह से, प्रमोटर करे, बाहर वाला करे, इट शुड बी अ पॉजिटिव इन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म। 11 रुपए में शेयर बहुत अट्रैक्टिव था, 17-18 पे वॉलिटिलिटी रहेगी बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, और न्यूज फ्लो पे। अब आपके लिए हम आपको लिए बाय आइडियाज देंगे, जो हमें लगता है यहाँ अभी भी बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। और आप कहें तो मैं इन 2-3 शेयर में बताऊंगा। 4 MA पे आज एक्चुअली 2 टेक्निकल ब्रेकआउट है। मैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो टेक्निकल ब्रेकआउट देने हैं वो भी बताऊंगा, और 2 वैसे मेरे बाय कॉल्स हैं। जी भसीन साहब, फिर से आपको ठंड वाली गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर होंगे आज के लिए? नहीं अभिषेक, ठंड तो आपको लग रही है इसलिए 15 डिग्री का, मुझे नहीं ठंड लग रही। मैंने तो 3 डिग्री देख रखा है सर, मैंने तो तीन दो दो ऊपर और एक दो नीचे, और एक ऊपर का सर्किट देख रखा है 25 साल में। जब नीचे सर्किट लगता है ना, तो उस समय रहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उस समय मैं काफी जवान था तो एड्रेनलिन था, अब मैं उसको एक अब्सॉर्ब करता हूँ। लेकिन आप अभी भी जवान है भसीन साहब। नहीं नहीं सर, वो टाइम गया, लेकिन हाँ शेयर बाजार के लिए मैं अभी भी जवान हूँ। एज इज अ नंबर सर, 95 पे जितने अलर्ट वॉरेन बफेट है, ही इज अ रोल मॉडल। करेक्ट, अगर आप पैशनेट हो किसी चीज का तो यू नो यू नेवर फेड अवे, एंड वाइन वुमेन एंड स्टॉक्स ओनली मैच्योर विद टाइम। तो सबसे पहली पिक है डीवीज लैब, 3570 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें मुझे 3850 का टारगेट दिखता है, सॉरी 3500 का स्टॉप लॉस, 3570 पे आपको लेना चाहिए, 3850। डीवीज लैब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मुझे लगता है जो इसमें बेरिशनेस आई है, ओवरडन है, इसके रिजल्ट्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार आएंगे। और हमने देखा है कि दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मा में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी, तो डीवीज मुझे यहाँ बहुत पसंद है, प्लस थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर। दूसरा मुझे पसंद है विप्रो, 525 रुपए पे मुझे लगता है विप्रो इज द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक, और आज नहीं तो कल ये 560 क्रॉस किया तो 600 की तरफ जा सकता है। अभी आप 560 के लिए अगले 2 दिन में खेलिए। अब 2 टेक्निकल पिक्स जो मैं 100 रुपए से कह रहा हूँ, 95 से इंडिया बुल, कल इंडिया बुल ने हाईएस्ट क्लोज दिया है 128 रुपए 65 पैसे, 123.25 में लीजिए, 112 का अब आपका स्टॉप लॉस हो गया, और 150 का आपका टारगेट। और चौथा है ABSL AMC, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है, हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि ये एक AMC है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, कल इसने क्लोज दिया जो हाईएस्ट क्लोज था 500 रुपए का, 488 का स्टॉप लॉस रखिए और 600 का टारगेट। मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ नाम्स, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर को मौका नहीं मिलता और वो कहता है हमें अच्छे शेयर,
तो टेक्निकल ब्रेकआउट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट एक वीक ट्रेंड में था, लेकिन कुछ शेयर्स न्यू हाईस पे जा रहे हैं, इस कारण से हमें लगा कि इनमें स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपके शेयर काफी अच्छे हैं और आपने अच्छा भी किया ये दोनों की कैटेगरी बना दी है कि ये जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है ये टेक्निकली ब्रेकआउट है ऑलरेडी, वैसे भी आप इस पर बुलिश भी थे पहले भी, और ABSL ये भी एक शेयर होगा जिस पे आपको आज ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा जो दो शेयर है डिविस और विप्रो, आपने अलग उसकी कैटेगरी बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया भसीन सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।